तो स्वागत है आपका फर्स्ट रेड में। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ हैं विवेक लॉ। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज के लिए मार्केट पर चार बड़े ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। आरबीआई की पॉलिसी कल अनाउंस होने वाली है, आज से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो रही है। कुछ जो रिजल्ट्स आए हैं कल मार्केट बंद होने के बाद वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, जैसे कि इंडिगो के नतीजे और साथ ही टेक महिंद्रा के, इन पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो इसका इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। मॉनसून के जो एस्टिमेट्स आए हैं, अब तक जो मॉनसून का प्रोग्रेस है वो भी अच्छा है, और साथ ही आज नज़र रहेगी जुलाई के ऑटो सेल्स नंबर्स पर जो कि आएंगे, और इसमें जो डी स्टॉकिंग कंपनीज ने जीएसटी रोल आउट से पहले की थी उसका भी कुछ हद तक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये वो ट्रिगर्स हैं जिसके आधार पर मार्केट आज ट्रेड करेगा। विवेक, मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग मिहिर। एक अच्छी चीज़ ये है कि कई बार जैसे रात को अगर आप सोने से पहले यूएस मार्केट्स देखें तब जो क्यूज होते हैं, और सुबह उठ के अगर आप देखें तो उसके बीच में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। कोई ना कोई ट्रिगर यूएस को भी मिल जाता है डाउ जोन्स को ऊपर ले जाने के लिए, और एसजीएक्स भी हमें अच्छे ही संकेत देता है। जैसे आज देखा, आपने एक ट्रिगर की तो बात की नहीं, मुझे पता चला है आप जीप खरीदने जा रहे हैं। ये बात तो हम कल से कर रहे हैं। देखिए, खरीदना तो चाहते हैं लेकिन किस साल ये देखना होगा। बट यू ऑलरेडी ओन अ जीप आई बिलीव। नो बट एक्चुअली देखिए, उसमें जो प्राइसिंग हुई है आई थिंक दैट्स अमेजिंग, जिस तरह से इन्होंने प्राइसिंग रखी है। और 15 लाख में जीप जैसी ब्रांड जो कि भारत में तो वैसे ही उसे लेकर काफ़ी क्रेज है, आई थिंक इस मार्केट में काफ़ी एक्शन हो जाएगा, खासकर इस सेगमेंट में एक्शन मुझे लगता है आज मार्केट में भी अच्छा खासा दिखेगा। अब देखिए, इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी है 10,100 के लेवल पर, ये इनफैक्ट है इस समय 31 पॉइंट्स की तेजी है। सेंसेक्स को भी देखिए 264 पॉइंट ऊपर। एक अच्छी चीज़ ये भी है कि कल भी अगर आप देखें ट्रेड विवेक, तो एटलीस्ट जो आफ्टर क्लोजिंग नंबर्स आए हैं वहाँ से भी आज कम से कम मार्केट के पास गिरने के लिए कोई वजह नहीं है। इफ यू लुक एट द टू मेन नंबर्स, इंडिगो एंड टेक महिंद्रा, दोनों में अच्छा संकेत रहा। एंड ऑफ कोर्स द बिग डिसीजन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्हिच पार्टली हैज शोन इन देयर स्टॉक प्राइस एंड द गेन। या लेकिन उसमें आई थिंक फ्रॉम कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स के पॉइंट से इट्स अ वेरी बिग मूव, यू नो मिहिर, क्योंकि आप बैंक अगर हैं तो आपके लिए इट वॉज सेंसिबल टू हैव कट दिस। बट अगर आप एक कंज्यूमर या बैंक ग्राहक की नज़रिए से देखें तो अब आप और भी कम रिटर्न्स आपको मिलेंगे, और 9 लाख करोड़ के करीब पड़ा हुआ था केवल एसबीआई के पास सेविंग्स बैंक अकाउंट में, और ये टैक्सेबल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक देयर विल बी अ बिग शिफ्ट अवे इनटू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि अब आपके पास 3.5% टैक्सेबल अगर आप एक प्रोडक्ट में हैं तो आप तो इन्फ्लेशन को टच भी नहीं कर पा रहे। और वो ऐसे भी आप देखिए कि जो कट उन्होंने किया है, हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बेसिकली रेट कट का इंडिकेशन है, बट मोर देन दैट आई थिंक जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि 1 करोड़ से कम की टिकट साइज पे इनफैक्ट इन्होंने 3.5% रखा है, जिसमें ज्यादातर होते हैं ज्यादातर अगर कोई 1 करोड़ से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट में रख रहा है तो फिर उस इंसान गड़बड़ फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन एक स्ट्रक्चरल चेंज भी है मिहिर, बिकॉज यू सी व्हाट हैज बीन हैपनिंग इवन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज के ओवर द लास्ट 1 or 2 years काफी उन्होंने अपने ब्रांचेस को पुश किया है। In fact, when I was speaking to Arundhati Bhattacharya, she mentioned के हजारों जो branches हैं अब mutual funds बेच रहे हैं और कह रहे हैं लोगों को कि आप क्यों अपना पैसा FD में रख रहे हैं या एक savings account में रख रहे हैं, आप एक liquid fund लीजिए, debt fund लीजिए, equity fund लीजिए। So it's actually a very big structural shift which is taking place. बिल्कुल, इस पर और बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज बाजार खुलने से पहले हमने जो आपको ट्रेड्स बताए थे वो कौन से हैं, कहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। आज के फास्ट मनी की कॉल्स देख लेते हैं। शुरुआत की है मैंने प्रतिभा इंडस्ट्रीज के साथ, खरीदारी कर सकते हैं प्योरली इंट्राडे के लिए कॉल है, फंडामेंटल आधार पर इसमें ना निवेश करें। 11.5 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब 10 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नोसिल में खरीदारी करें 149 रुपये के टारगेट्स के लिए 142 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इंडिगो पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब 1330 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 1280 रुपये का एक्सिट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ईपीएस शेयर के तौर पर मैंने हैरिसन मलयालम को चुना है, 90 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 84 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। फिलाटेक्स ग्लेनमार्क एक अगला शेयर होगा जहां पर आप दाव लगा सकते हैं, खरीदारी की बजाय 720 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 690 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बीईएमएल पे भी
भी आप दाम लगा सकते हैं, करीब 1755 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1715 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा ओम मेटल 63 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, बीपीसीएल में 480 रुपए का एक लक्ष्य रखे खरीदारी कर सकते हैं। TFCIL को चुना गया है नंबर्स की बात करें, 112 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और ADF फूड ये सुपर रेट शेयर के तौर पर मैंने चुना है, करीब 255 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नतीजों के दम पे जेके पेपर के साथ मैंने शुरुआत करी थी, खरीदारी करें तो 100 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, 96 का आप स्टॉप लॉस रखें। गार्डन सिल्क 5 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी हो सकता है कि जो कुछ गार्डन से जो गारमेंट से रिलेटेड कुछ जीएसटी स्ट्रक्चर है उसमें कमी की जा सकती है, तो गार्डन सिल्क पर नजर रखें। 37.40 रुपए का टारगेट होगा आज के लिए। एपटेक के नंबर अच्छे हैं, मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा है, 219 का टारगेट प्राइस होगा। टेक महिंद्रा के नंबर्स भी अनुमान से बेटर आए हैं, ईपीएस के तौर पर मैंने चुना है, 393 का टारगेट प्राइस होगा। वेदांता आयरन ओर प्राइसेस काफी तेजी से शूट अप करी है कल ग्लोबल मार्केट्स में, 287 का टारगेट प्राइस, 277 का आप इसमें स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा रेलिगेंट एंटरप्राइजेस कल ब्लॉक डील में कुछ बड़े नाम सामने आए जिन्होंने खरीदारी करी है, आज रेलिगेंट एंटरप्राइजेस में 105 का टारगेट प्राइस होगा। शक्ति पंप में भी ओल्ड ब्रिज कैपिटल ने शेयर खरीदे हैं, 492 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। आईओसी जिसका सिलेंडर के दाम बढ़ाने की मंजूरी मिली है 4 रुपए प्रति महीना, वो आईओसी के लिए पॉजिटिव है, 375 का टारगेट प्राइस। बायोकॉन इनके कुछ बायोसिमिलर जिन्होंने जिनकी मंजूरी यूएसएफडीए से मिली थी उसके लिए कुछ और कंपनियां भी सामने आ रही हैं जो कंपटीशन बढ़ सकता है, 376 का टारगेट लेकर बिकवाली करें। और जैसे टी कीमतें बढ़ रही हैं चाय की उसका फायदा होगा, 112 का टारगेट, 105 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। तो ये वो पिक्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। खैर हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश सतपुते हमारे साथ हैं, सुनील जैन हैं और साथ ही हेमंत ठुकराल हमारे साथ हैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हेमंत, आज देखिए इंडिकेटिव में फिर से एक बार 10,100 के पार निफ्टी लग रहा है, सेटअप अच्छा है, ट्रिगर्स अच्छे हैं, क्या लग रहा है आपको? बिकॉज वो जो शॉर्ट कवरिंग जिसकी आप बात कर रहे थे, 10,000 के ऊपर अगर टिक गया निफ्टी तो आएगी, उसकी उम्मीद की जाए? देखिए अमीर, मैं जब अभी फ्यूचर एक्सप्रेस में भी एक डेटा पॉइंट बता रहा था कि जिस तरह से पुट राइटर्स का कन्विक्शन है मार्केट में, अगर आप देखें 10,000 और 9,900 का ओपन इंटरेस्ट, दैट इज अराउंड 42 लाख 45 लाख शेयर्स। अगर आप कॉल राइटर्स का कन्विक्शन देखें तो कहीं भी 20 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं, सिवाय 10,500 के जहां 33 लाख शेयर जुड़े हुए हैं। तो वो कॉल, ये बहुत क्लियर हमें बता रहा है मार्केट सेंटीमेंट क्या चल रहा है इस समय। सो पुट राइटर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट एट एवरी राइज, दे आर शिफ्टिंग दी बेस। तो मेरे हिसाब से जब तक पुट राइटर्स की कोई बेस वायलेट नहीं होती, इट रिमेन्स अ बाय ऑन डिप्स। तो अब स्टॉप लॉस 9980 का रखेंगे और मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट 10,250 तक जाना चाहिए, 10,220 तक, एंड देन वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड वन बाय वन। बट जिस तरह से पुट राइटर्स का कन्विक्शन बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर करेक्शन आएगा अनलेस अंटिल एक बार पुट राइटर्स को हम अनवाइंड करवाएं पोजीशंस। मिहिर, कल तो बहुत बड़ा दिन भी है और हमने जो एक एग्जॉस्टिव पोल किया है, जरा उस पर आप बताएंगे दर्शकों को कि क्या इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है मॉनेटरी पॉलिसी। आई थिंक बस वही है जोकर इन द पैक जो है, वो ये है कि आरबीआई की तरफ से सरप्राइज नहीं आना चाहिए कोई, एटलीस्ट नेगेटिव। क्योंकि आप देखिए पोल अगर देखेंगे ना, 90% लोग तो यही मान रहे हैं कि कल रेट कट हो ही जाएगा। जो डिबेट है वो इससे लेकर है कि कितना हो सकता है, पर रेट कट इज ऑलमोस्ट गिवन, ये मार्केट फैक्टर इन करके चल रहा है। अब आप देखिए 68% जो हमारे रिस्पॉन्डेंट्स हैं पोल के, उनका ये कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है, लेकिन 31% लोग ये मानते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का भी कट हो सकता है, इसकी भी संभावना है। खैर इसमें एक जो राइडर मुझे लगता है जोड़ना चाहिए वो ये भी है कि अगर एक ही शॉट में 50 बेसिस पॉइंट मिल गया ना, तो आरबीआई के पास वो आई थिंक रूम थोड़ा सा कम हो जाएगा बाकी बचे साल में। तो टू दैट एक्सटेंट पता नहीं अब वो उर्जित पटेल बाकी इतना एम्यूनेशन एक साथ खत्म करना चाहेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एसएलआर में कोई चेंज नहीं होगा। सो द फोकस इज एक्चुअली ऑन द रेपो रेट। एसएलआर या सीआरआर में कोई कट होगा इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को है, और साथ ही इनफैक्ट 85% लोग जो हैं वो ये भी मान रहे हैं कि कल का जो कट है वो हो सकता है इस साल के लिए आखिरी हो, प्रोवाइडेड 50 बेसिस पॉइंट का कट हो जाता है, तो यानी कैलेंडर ईयर में इससे आगे रेट कट की गुंजाइश है नहीं। सुनील, आप की क्या उम्मीद है कि कितना हो सकता है रेट कट? और मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है मेरे ख्याल से 25 बेसिस पॉइंट का कट, और अगर कल आरबीआई ने कुछ नहीं किया तो क्या रिएक्शन आपके नजर में हो सकता है? किस तरह की एक्सपेक्टेशंस बिल्ट अप हो चुकी हैं ऑलरेडी? सी, एक्सपेक्टेशंस कंपैरेटिवली हाई है कि रेट कट आएगा, बट अगर सपोज करो
रेट कट नहीं आता है तो मुझे लगता है कि एक टेम्पररी ब्लिप जरूर आ सकता है, बट नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि क्या है कि रेट कट की एक्सपेक्टेशंस में कोई बहुत ज़्यादा मार्केट चलाओ ऐसा नहीं है। कल का भी जो मूवमेंट था दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ एसबीआई एक्शन, जो उन्होंने एसबीआई सेविंग बैंक की रेट कट की। तो या टेम्पररी ब्लिप डेफिनेटली एक दिन का आ सकता है, बट नथिंग मोर देन दैट। बिल्कुल, एक बार टेक महिंद्रा को देख लेते हैं और साथ ही इंडिगो को। इंडिगो देखिए 2.25% ऊपर है, 1320 का लेवल है यहाँ पर इंडिकेटिव टेक्स में। और साथ ही टेक महिंद्रा, इनके भी जो नंबर्स थे वो अच्छे थे, तो ये 400 के पार है ऑलरेडी, 5% ऊपर। राजेश, इन दोनों पर क्या है आपके इंट्राडे कॉल? देखिए, इंडिगो का जो टेक्निकल लेवल था, जो ब्रेकआउट लेवल था, वो रफली था 1300-1302 के आसपास। मुझे लगता है आज वो गैप अप ओपनिंग मिलेगा तो डेफिनेटली इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली में एक्सपेक्ट करता हूँ। मे बी यहाँ से 3-4% अपसाइड आना चाहिए। तो जिन्हें लॉन्ग करना है आज ओपनिंग के बाद, उन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1280 के आसपास। रही बात टेक महिंद्रा, अगर मुझे दो में से एक को चुनना है तो टेक महिंद्रा लुक्स गुड टू मी। द प्रॉब्लम इज टेक महिंद्रा मुझे लगता है गैप अप ही होगा। इसका जो टारगेट है वो टारगेट मेरा है रफली 430 से लेकर 440 तक का। सो अगर गैप अप होता है और अगर डिप मिलता है इंट्राडे तो डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग करने की गुंजाइश होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ रफली अबाउट 385। सुनील, आपने बात की है एसबीआई का जो कल डिसीशन था, इस पे अगर बाकी बैंक्स, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी बैंक्स भी फॉलो करेंगे, और क्या इम्पैक्ट हो सकता है बैंक्स पे इसके, इस तरह के सेविंग्स अकाउंट को आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ डीरेगुलेशन अगर नीचे कर रहे हैं, क्या इफेक्ट हो सकता है? देखिए, ये रेट कट एक्सपेक्टेशंस तो जब डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट आया था और उसके बाद में जिस तरीके से कासा जोर से इंक्रीज हुआ था उसी समय बिल्डअप हुआ था, बट एक पीरियड निकलने के बाद में वो थोड़ा डाई डाउन हो गया था। बट अगर आप देखेंगे तो एसबीआई एक मार्केट लीडर और काफ़ी बड़ा कासा उनके पास में है, तो डेफिनेटली दूसरी बैंक्स विल टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ी कम कर सकें। नियर टर्म में डेफिनेटली NIM एक्सपांड होगा, बट मेन जो क्राइटेरिया है वो है क्रेडिट ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ अभी भी हमें कहाँ नहीं दिखाई दे रही है, एक लो सिंगल डिजिट में चल रही है, विच इज़ नॉट फेवरिंग बैंक्स। स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट है जिसमें कंटिन्यूसली उनके NPA वगैरह बढ़ रहे हैं, तो आपके डिपॉजिट बढ़े जा रहे हैं बट सामने क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रही और एसेट क्वालिटी भी खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही। तो PSU बैंक्स पे ऐसा कोई बहुत लंबा यहाँ से चेंज आ जाएगा या इम्प्रूवमेंट आ जाएगा नियर टर्म में ऐसा नहीं लगता। नो डाउट एक रेंज में जरूर रह सकते हैं। पूरा मार्केट काफ़ी एक तेज़ी में चल रहा है, तो इवन जो स्टॉक्स के रिजल्ट्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ओवरऑल आउटलुक PSU बैंक्स पे बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। इनमें कंपेरेटिवली बेटर प्लेस वो SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा है। बिल्कुल, खैर चलिए, एक बार इंडिकेटिव टिक्स सेटल हो चुके हैं, इन्हें देख लेते हैं। निफ्टी 10,100 के ऊपर खुलने के लिए तैयार है, 10,101 का लेवल है यहाँ पर, यानी करीब 24 पॉइंट ऊपर ये खुल सकता है। अच्छा, इसमें गेन्स जहाँ पर देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के, उन स्टॉक्स को देख लेते हैं जिस पर अच्छा रुझान है। तो एक तो टेक महिंद्रा है करीब 5% ऊपर, इंडियन ऑयल जो गैस की सब्सिडी, LPG की सब्सिडी खत्म करने की बात है, वो एक ट्रिगर होगा यहाँ पर। देन यू हैव M&M जो कि 1% ऊपर है, बॉश, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हिंडालको, टाटा मोटर्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर आप मिड कैप में देखें, मिड कैप में करीब 1/4% के आसपास का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन कल भी अगर आप देखें ट्रेड में तो टुवर्ड्स क्लोजिंग मिड कैप है वो थोड़ा सा लैग कर रहा था। जो फ्रंटलाइन इंडाइसिस थे, दैट निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक, इसमें जिस तरह का मूव था उतना मोमेंटम हमने मिड कैप में नहीं देखा था। तो ये एक हो सकता है कि थोड़ा अर्ली इंडिकेटर हो किसी ट्रेंड का जो कि मार्केट में शायद बन सकता है आगे जाके, मे बी बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन कंसर्न। लेकिन हाँ, जो गेनर्स हैं वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें IDFC बैंक, इंडिगो 2% ऊपर, क्रिसिल, कॉनकॉर, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। हेमंत, आप कोई पिक्स रेकमेंड करना चाहेंगे प्योरली बेस्ड ऑन मोमेंटम? देखिए, मैं थोड़ा PSU बैंक्स में ज्यादा बुलिश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी उनमें, तो SBI स्पेशली इन एनी केस मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है 325 तक जाता हुआ। और दूसरा सेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है मेटल्स।
मुझे लग रहा है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे की तरफ का रुख बनाए हुए है, और मुझे ऐसा लगता है कमोडिटीज विल कंटिन्यू टू मूव अप और विच विल हेल्प मेटल स्टॉक्स, तो वो चाहे टाटा स्टील हो या जेएसडब्ल्यू स्टील हो, मुझे अच्छे लग रहे हैं हिंदुस्तान जिंक, बट स्पेशली टाटा स्टील मुझे लग रहा है इट्स रेडी टू हेड टूवर्ड्स 580. तो पीएसयू बैंक्स और मेटल्स पे मैं काफी बुलिश हूँ, मुझे लगता है ये रैली यहाँ से ये कंटिन्यू रहेगी इन दोनों सेक्टर्स में. हेमंत, व्हाट अबाउट इंडिगो? मेरे हिसाब से एविएशन हैज बीन डूइंग फेयरली गुड, मेरे बिकॉज एक क्रूड एक हमेशा से एक फैक्टर रहा है उनके लिए विच हैज बीन वेरी पॉजिटिव, और आज जैसे इंडिकेटिव ट्रेड्स बता रहे हैं अगर इंडिको 1300 के ऊपर सस्टेन करता है तो देन यू विल सी सम अनवाइंडिंग इन 1300 कॉल ऑल्सो, तो मुझे लगता है कि इट शुड देन गो हेड एंड टेस्ट 1355 1360. बट मेरे हिसाब से एविएशन पैक बहुत स्ट्रांग लग रहा है और जेट में भी थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल सकता है. जेट में इनफैक्ट देख भी रहा है, जो रब ऑफ आप जिसकी बात कर रहे हैं करीब 1% ऊपर जेट है इस समय. कैश के जो बाकी काउंटर्स हैं जिसमें अच्छा मूव आज देखने को मिल सकता है, हालांकि मार्केट ओपन ही होने वाला है, उसमें जेपी पावर है जो कि 6% ऊपर है, टेक महिंद्रा तो है ही, कुछ और काउंटर्स में डीएस कुलकर्णी है जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है. ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दे सकते हैं एनएसई का कैश सेगमेंट में. लेकिन लौटते हैं इंडेक्स पर, खुलने वाला है निफ्टी 10,100 के पार ओपनिंग, और लेड बाय एक्चुअली मिक्स्ड बैग सारे ही जो स्टॉक्स हैं इसे अगर आप देखें तो, ऐसा नहीं कि कोई एक सेक्टर लीड कर रहा है 10,100 के ऊपर, पर हाँ अच्छी चीज़ ये है कि टेक महिंद्रा या फिर इंडियन ऑयल इसमें अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, इंडिकेटिव में जो रुझान देखने को मिला है उसमें अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड होने की उम्मीद है, और ये अगर होता है तो ऑब्वियसली मार्केट के लिए अच्छा होगा. खुलने वाला है मार्केट, और साथ ही सेंसेक्स जो है वो 32,500 के ऊपर खुला है, निफ्टी खुला है 21 पॉइंट ऊपर, 10,100 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी करीब 20 अंकों की मजबूती यहाँ पर है. सेंसेक्स 48 पॉइंट्स ऊपर है 32,570 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी बैंक ये करीब 30 पॉइंट ऊपर 25,144 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है. तो मजबूती के साथ खुला है मार्केट एज एक्सपेक्टेड, लेकिन निफ्टी आया है 10,100 के नीचे. जो मोमेंटम है वो आप देखिए स्क्रीन पर, टेक महिंद्रा 4.5% ऊपर है, इंडिगो 2.5% ऊपर, जेपी पावर 7.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है. ये सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि आज काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड देख रहे हैं. कुछ और काउंटर्स जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है उनको देख लेते हैं. इसमें बॉश है, निफ्टी के गिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हिंडालको है जहाँ पर अच्छा रुझान है, टेक महिंद्रा के अलावा इंडियन ऑयल है जो कि करीब 1% ऊपर है. ये सारे वो काउंटर्स हैं जो कि निफ्टी में अच्छा मूव दे रहे हैं. गेल है जो कि करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है. देन यू हैव आइडिया जहाँ पर थोड़ा बहुत मूव देखने को मिला है, हीरो मोटोकॉप, ल्यूपिन, टाटा मोटर्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है. लेकिन निफ्टी देखिए तेज़ी से थोड़ा टेपर ऑफ होते हुए, तो अब बस 7 अंकों की तेज़ी निफ्टी पर बची है. एक बार निफ्टी के लूजर्स को देख लेते हैं. निफ्टी के जो लूजर्स हैं उसमें सबसे ऊपर HDFC लिमिटेड है, ये करीब 1.5% नीचे है, फॉलोड बाय पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, L&T, भारती इंफ्राटेल और HDFC बैंक. ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है ओवरऑल. राजेश, बैंकिंग पैक को किस तरह से आप देख रहे हैं? व्हाट आर लुकिंग स्ट्रांग टू यू राइट नाउ? देखिए बैंकिंग पैक में मुझे एक एक्सिस बैंक पे बात नहीं हुई है, SBI पे बात हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी बात हुई है, दोनों अच्छे लगते हैं. नो डाउट एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे मुझे लगता है PSU बैंकिंग को देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सिस बैंक पे भी ध्यान देना चाहिए. एक्सिस बैंक में देखिए 530-532 से एक करेक्शन फिर से हुआ और 510 का इसका जो लेवल है वो टेस्ट हुआ, ये इसका एक टेक्निकल सपोर्ट लेवल है. तो मुझे लगता है जब तक एक्सिस बैंक 510 के ऊपर मेंटेन करता है तब तक बाय ऑन डिप करे. इसका जो टारगेट है मुझे लगता है फिर से ये 530-532 का जो लेवल है ये हिट करेगा. मिड कैप को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि एटलीस्ट जो ओपनिंग जहां पर हुई थी 10,114 का हाई इसने हिट किया है, उसके बाद वहां से थोड़ा हल्का हो गया है. अब मिड कैप के जो गेनर्स हैं इसमें BEL है 3.25% ऊपर, कॉनकोर 2.5%, इंडिगो 2.5% ऊपर रिजल्ट्स के बाद, ऑयल इंडिया है यहाँ पर अच्छा मूव है, थर्मैक्स, सन TV, PNB, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं. वोल्टास करीब 1% ऊपर इस समय, और ओवरऑल भी अगर हम देखें पॉकेट वाइज
पूरा जो एविएशन स्पेस है उसमें अच्छा बज है, जैसे हेमंत खुलने के पहले कह भी रहे थे कि जो एविएशन स्टॉक्स हैं उसमें मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है, ये रिफ्लेक्ट कर भी रहा है प्राइसेस में अगर आप देखें। अब देख लेते हैं कैश के गेनर्स को। एनएसई पर कैश के गेनर्स में अच्छे वॉल्यूम के साथ जो काउंटर्स चल रहे हैं इसमें एक तो ट्रेंड है, ये 10.5% ऊपर है। आज टेक महिंद्रा भी कैश में अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हुए। रैली गेयर पर 4.25% का मूव है। बीईएल है जो कि 3.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी कुछ काउंटर्स जहां पर अच्छा मूव है इसमें अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स, मैक्लॉयड रसल, सेंट्रल सेंचुरी प्लाई, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर इंटरेस्टिंग मूव है। लेकिन हेमंत देखिए ओपनिंग तो स्ट्रांग हुई, 10,114 तक गया भी निफ्टी, लेकिन अब वहां से थोड़ा वॉलेटाइल है। तो अभी देखिए 16 पॉइंट ऊपर है, लेकिन डेफिनेटली एक जो 10,100 का लेवल है वो एटलीस्ट ओपनिंग में एक बैरियर के तौर पे काम कर रहा है मार्केट में। देखिए मीर मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर भी हूं तो मैं आज का लो अगर देखूं तो मेरे ख्याल वो ज्यादा मैटर करेगा। तो 10,020 10,030 अगर वायलेट नहीं होता है तो कोई भी डिप मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से मिलता है, दैट इज अ बाय ऑन दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हाँ अगर 10,120 के ऊपर निफ्टी स्पॉट ट्रेड करने लग जाता है तो मेरे ख्याल जो मैंने टारगेट दिया है 10,220 वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से वॉच करें, डिप्स पे लेने की कोशिश करें, लेकिन अगर 10,120 को क्रॉस करता है तो मोमेंटम को और भी फास्ट कैच करने की कोशिश करें। और एक चीज इंपॉर्टेंट हमें फिर देखनी पड़ेगी मीर कि बैंक निफ्टी 25,200 के ऊपर फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जब तक बैंक निफ्टी में आपको करेक्शंस के साइन नहीं मिले तब तक निफ्टी का भी नीचे आना बहुत मुश्किल है। सुनील आप किस तरह से देख रहे हैं एविएशन पैक को? देखिए एविएशन पैक का नो डाउट ये क्वार्टर जो रिजल्ट आते हैं वो सीजनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है और इंडिगो ने उसे भी आउट परफॉर्म किया है। बट कमिंग क्वार्टर अगेन एक लीन पीरियड आता है और हमने देखा है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और ऐसा नहीं है कि इस क्वार्टर में अगर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आ गई तो वो सस्टेन करेगी। हमने देखा है कि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस में इंडिगो के भाव ऑलरेडी काफ़ी चल चुके हैं, तो ये लेवल पे रिकमेंड नहीं करते। बट कोई अच्छा यहाँ से करेक्शन आता है तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स को देखा जा सकता है। एक बार सारे रिटेल स्टॉक्स को भी देखते हैं, हालांकि जो ट्रेंड के नंबर्स थे उसके चलते ट्रेंड में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इनका जो मुनाफा है पीएटी उसमें हमने अच्छा खासा इजाफा देखा है और ये 38 करोड़ रहा है अगेंस्ट 29 करोड़, तो वो पूरे रिटेल स्पेस में देखते हैं कि जो ट्रेंड के नंबर्स हैं क्या उसका कोई रब ऑफ देखने को मिल रहा है। ट्रेंड तो हमने देखा ही आज अच्छा लीड कर रहा है, लेकिन जो बाकी रिटेल स्टॉक्स हैं वो आज थोड़ा सा आई वुड से कि लिमिटेड रेंज में ट्रेड करते हुए। ट्रेंड ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूव इस समय दे रहा है, इनफैक्ट फ्यूचर रिटेल बिल्कुल फ्लैट है और डी मार्ट पर भी कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। राजेश आपकी पिक, डी मार्ट जैसा कोई मोमेंटम प्ले रहेगा या फिर फ्यूचर रिटेल जैसा, या फिर ये जो ट्रेंड में फंडामेंटल न्यूज़ के चलते मूव जनरेट हुआ है उस पर बेट करेंगे आप? मेहर इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो मेटल पैक ज़्यादा बेहतरीन होगा, अगर मैं वो जस्ट ट्रैकिंग मेटल कि कहाँ कहाँ पे मोमेंटम है, मुझे लगता है टाटा स्टील में एक जैसे हेमंत भी कह रहे थे टाटा स्टील का मोमेंटम अच्छा रहेगा। तो अगर यहाँ पे ट्रेड भी करना है तो आप देखिए मार्केट में करेक्शन है लेकिन मेटल पैक सपोर्ट कर रहा है। मुझे लगता है ट्रेंड और जो बात हो रही है उस पर कहीं ना कहीं लगता है कि एक स्पर्ट है, लेकिन स्पर्ट के बाद फॉलो अप बाइंग आएगी क्या, वो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मोमेंटम अगर कैच करना है आज के लिए तो मुझे लगता है 2-3 काउंटर्स और 2-3 सेक्टर्स पे बात करेंगे हम लोग। मुझे लगता है कि एक मेटल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में IOC मुझे अच्छा लगता है जिसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया, और सेकंड इज मेटल जहाँ पे मुझे लगता है कि JSW स्टील या टाटा स्टील अच्छे लग रहे हैं। वेदांता इज ऑल्सो लुकिंग गुड एट करंट लेवल। मुझे लगता है कि वेदांता 282 पे है, 275 का इसका एक सपोर्ट है। मुझे लगता है 275 के ऊपर बायस जो है इसका पॉजिटिव रहेगा। 284 का एक स्मॉल हर्डल है, अगर वो हर्डल में निकाल दे तो मुझे लगता है कि फ्रेश 52 वीक हाई बनाएगा। इस बीच टेक महिंद्रा को देखिए, अभी ये 6.5% ऊपर है, लेकिन साथ ही निफ्टी का और एक काउंटर जो कि आज काफ़ी प्रेशर देख रहा है वॉल्यूम्स के साथ वो है HDFC लिमिटेड। अभी है इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2% नीचे फिसला था, अभी भी देखिए लोएस्ट लेवल पे है HDFC पर। हेमंत क्या व्यू है आपका? देखिए
मीर, मैं एक व्यू बहुत क्लियर देता हूँ एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड पे कि कभी भी इनमें शॉर्ट अटेम्प्ट मत करें, क्योंकि ये अगर एक दिन भी गिरते हैं तो अगले दिन नया हाई बना लेते हैं. तो मेरे हिसाब से इट इज आप वेट एंड वॉच करें. अगर 1740 तक आता है तो इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो उसको आप बाय करने की कोशिश करें डिप पे. दोनों ही एचडीएफसी ट्विंस में कभी भी शॉर्ट मुझे पैसा बनता हुआ नहीं नजर आया है. जी, एक बार देख लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ कैसी है या फिर सेंटिमेंट कैसा है. अगर आप पूरे एनएससी को देखें एक बार, और शुरुआत जिस तरह की हुई है, खुल के अभी 5-7 मिनट हो गए हैं, अगर आप सेटअप देखें तो इस समय एटलीस्ट ओपनिंग में जो झुकाव है वो बढ़त की तरफ है. ऑलमोस्ट 900 काउंटर्स हैं जो बढ़त में हैं. नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 400 के आसपास देखने को मिल रही है. सिमिलरली बीएसई पर भी जो ट्रेंड है वो ऑब्वियसली झुकाव जो है वो बढ़त की तरफ है. 850 काउंटर्स हैं जो बढ़त में हैं. नुकसान वाले काउंटर्स 420 के आसपास देखने को मिल रहे हैं. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा ना इन लेवल्स के आसपास अनलेस कोई फ्रेश मोमेंटम मार्केट में क्रिएट हो सकता है कि अगर इस कैप्ड अपसाइड में मार्केट एक रेंज में ही रहे या कुछ हद तक कंसोलिडेट ही करे. अब हेमंत, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप देखिए, जैसे आपने पोल में भी देखा कि जो पॉलिसी है ना वो कुछ हद तक फैक्टर्ड इन है मार्केट में. एटलीस्ट जो 25 बेसिस पॉइंट है वो तो मार्केट मानकर ही चल रहा है. साथ ही जो मैटर करेगा वो ये भी करेगा कि आरबीआई की कमेंट्री कैसी आएगी अबाउट द इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी, या फिर आगे जाके रेट कट का आउटलुक उनका क्या है, या फिर जीएसटी इम्पैक्ट. इन सब में अगर कहीं पर कुछ आई वुड से नेगेटिव ट्रिगर आता है या फिर थोड़ा भी नेगेटिव रुझान देखने को मिलता है तो एक डिफेंसिव लेवल इंडेक्स पर कहाँ देख रहे हैं आप निफ्टी में? देखिए अमीर, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ. जिस तरह से बैंक निफ्टी बढ़ा है जब से इन्फ्लेशन डेटा आया था, तो ये तो बहुत क्लियर है कि 0.25 इज फैक्टर्ड इन. अगर आप 50 बेसिस आता है तो मेरे ख्याल 25400 देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड बैंक निफ्टी में. लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना, अगर कोई रेट कट नहीं आया तो नेगेटिविटी की जगह ज्यादा बन जाएगी, क्योंकि अब सपोर्ट लेवल्स बहुत दूर होते जा रहे हैं. तो अब जो इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 24500 के आसपास ही है. तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बहुत पॉजिटिव न्यूज भी आई तो 200-300 पॉइंट की बढ़त पर ही रेजिस्टेंस है, जबकि अगर नेगेटिविटी आई तो थोड़ा करेक्शन ज्यादा आ सकता है. तो 24500 मेरे ख्याल फिर बैंक निफ्टी को एक बार विजिट करना पड़ेगा, और अगर बहुत पॉजिटिव कमेंट्री वगैरह भी आई तो 25450 मुझे ऐसे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस बनकर नजर आएगा सामने. बिल्कुल, चलिए, सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है निफ्टी को जहां से आ रहा है वो स्टॉक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर. इसमें सन फार्मा है, विप्रो है, टाटा स्टील है, ये सारे ऐसे काउंटर्स हैं जो कि इस समय निफ्टी को होल्ड कर रहे हैं या फिर हायर लेवल्स पर सपोर्ट दे रहे हैं. सुनील जैन, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं. सुनील, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए. म्यूचुअल फंड्स के लिए तो अगर हम मुंबई की भाषा में कहें तो एक तरीके से इनकी निकल पड़ी है जिस तरह से मोमेंटम चल रहा है. लेकिन अच्छी चीज़ ये भी है कि मार्केट में मोमेंटम काफ़ी अच्छा है. सुनील, आपका व्यू क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है या फिर अच्छा खासा फंडामेंटल सपोर्ट है इन लेवल्स पर मार्केट में, क्या लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल थी, हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो स्थिति आज है, आप तो निफ्टी के ऊपर फोकस करते हैं, पर आपको यह याद रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स को अक्रॉस द कैप कर्व और अक्रॉस सेक्टर्स पैसा मिलते हैं. यानी वो डिप्लॉयमेंट जो है शायद बीएसई 500 के करीब स्टॉक्स में कर रहे हैं एंड खाली निफ्टी में नहीं. तो ये निफ्टी की हर रोज जो बढ़त हो रही है उससे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जो एलोकेशन होती है मिड कैप, स्मॉल कैप्स और से बैंकिंग सेक्टर या ऐसे सेक्टरल फंड्स में, वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे सभी वैल्यूएशंस बहुत बढ़ नहीं चुके हैं. तो इस स्थिति में पैसा जो आ रहा है उसका तो हम प्रॉपर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि आज आउटलुक जो है एक लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट्स, ग्रोथ मानसून के कारण, अभी देखिए कंजम्पशन की भी बढ़त होगी इस फेस्टिवल सीजन में, और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है कि लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डिप्लॉय कर रहे हैं. तो एक स्थिति अभी अच्छी है कि एक मूड अच्छा है, लोग भी बहुत क्या कहते हैं हम
खुश है जो मार्केट के रिटर्न्स मिल रहे हैं उन्हें, और म्यूचुअल फंड की बात जो आपने करी उसमें खास चीज यह है कि एक तरफ देखिए स्टेट बैंक ने अभी सेविंग्स रेट और भी कम करवा दिया, तो म्यूचुअल फंड के लिए जो रिटर्न इन्वेस्टर से जो एक्सपेक्टेशन है वो भी आज कम हो रही है कि मैंने समझिए कि आप 8-10% भी म्यूचुअल फंड से दे दिया तो वो बैंक डिपॉजिट से एटलीस्ट 50% मोर है, तो स्थिति बहुत बढ़िया है हमारे लिए अभी। क्या आप मानते हैं सुनील कि ये जो कल डिसीजन आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कि सेविंग्स रेट में जिस तरह से कट हुआ है, क्या आप मानते हैं कि इससे और एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ, म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड फंड्स जो आप लोग ऑफर करते हैं, क्या आप मानते हैं कि ये एक बहुत ही एक स्ट्रक्चरल चेंज का हार्बिंगर बन सकता है? हाँ जी, ये स्ट्रक्चरल चेंज की शुरुआत तब हुई थी जब मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो जनधन योजना को एक बहुत स्ट्रांग पुश दिया था, और वहां से क्या हुआ कि कैश इकोनॉमी से बैंकिंग सेक्टर में बहुत पैसा आने लगा। सेकेंड चीज ये हुई कि जो जो कहते हैं ना अभी वो पब्लिक सेक्टर को जो सैलरी हाइक्स मिले तो सबकी कासा में सैलरी अकाउंट्स में जो क्रेडिट हो रही थी, अब पीपल को ये मन में आ गया है कि मेरा पैसा आइडल पड़ रहा है और उसमें रिटर्न बहुत कम आ रही है, और प्रॉब्लम ये हो रही है उनके लिए कि जो इन्फ्लेशन एक तरफ कम हो रही है मगर उनके लिए एक परसेप्शन ऑफ इन्फ्लेशन ऑलवेज हाई रहता है, तो जो रिटर्न की एक एक्सपेक्टेशन रहती है वो अपने इन्वेस्टमेंट से वो बिल्कुल बैंक डिपॉजिट पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आप देखिए मंथली जो SIPs के थ्रू फ्लोज आ रहा है तो ये स्टेट बैंक जैसे बैंक ने एक लीडिंग बैंक ने जो रेट कट की एक सेविंग्स बैंक में रेट कट किया है तो नेचुरली अदर बैंक्स भी फॉलो करेंगे और लोग भी यही सोचेंगे कि आइडल अभी देखिए लिक्विड फंड्स का रिटर्न 6-7% तो आसानी से मिल रहा है तो 3.5 कहाँ 6 कहाँ, तो ATM का अभी उपयोग शुरू हो रहा है कि इवन लिक्विड फंड्स में ATM के थ्रू विड्रॉल कर सके, ऐसे धीरे धीरे इंडस्ट्री भी अपनी इसको मोड़ रही है, तो कि एक जनरल आम जनता म्यूचुअल फंड को एक बेसिक रिक्वायरमेंट समझेगी और नॉट कि खाली रिस्क लेने के लिए म्यूचुअल फंड है। बिल्कुल, चलिए राजेश आपका शुक्रिया और हेमंत आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं, मनीष सोनथालिया हैं हमारे साथ फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। मनीष, मॉर्निंग टू यू, हाय, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब मैं हर बार आपको एक ही सवाल पूछता हूँ कि मार्केट कैसा लग रहा है, इस बार मैं थोड़ा अलग पूछता हूँ आपको कि मार्केट में वाकई कोई खतरा लग रहा है आपको, बिकॉज एटलीस्ट हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं ना उनको वी कैन सी दैट हिंट ऑफ कम्प्लेसेंसी कि मार्केट बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई बड़ा मेजर खतरा नहीं है, आपको भी लगता है क्या ऐसा? देखिए बहुत बड़ी विडंबना है कि मार्केट गिरता ही नहीं है और एक दो दिन करेक्शन होता है या फिर मार्केट में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ आ जाती है, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ फ्लोस, पर हिस्ट्री यही बताता है कि यू नो पैसा बनाना इतना आसान नहीं है शेयर बाजार में, और जिस हिसाब से कम्प्लेसेंसी है कभी ना कभी झटका लगने ही वाला है, कब लगने वाला है ये किसी को नहीं मालूम, बट अगर आप देखें कि मतलब नंबर कर रहे हैं बेसिकली GST का इम्पैक्ट करेंट क्वार्टर के नंबर में भी दिख रहा है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वगैरह के नंबर अच्छे हैं पर IT के नंबर्स ख़राब हैं, कंज्यूमर के ड्यूरेबल्स के नंबर्स ख़राब हैं, सब कुछ मतलब मिला जुला सा वो है और इतनी बड़ी यूफोरिया की कोई गुंजाइश मुझे तो नहीं नज़र आती, बट फ्लोज एक ऐसा चीज़ है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है और वो बहुत स्ट्रांग है, तो हम एक फंडामेंटली बबल जोन की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद एक वर्टिकल ड्रॉप होगा, कि कब होगा कैसे होगा बोलना बड़ा मुश्किल है पर स्थिति ऐसी है। ये जो फ्लोज हैं मनीष, विवेक हियर, ये जो फ्लोज हैं जैसे आपने कहा ये तो थमते दिख ही नहीं रहे हैं, खासकर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर के फ्लोज हैं, और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जैसे अब 5,000 crore पर मंथ SIP जो बुक हो गई है, सबका मानना है ये तो शुरुआत हुई है क्योंकि अभी भी जो परसेंटेज है लोगों की जो इक्विटी में वो बहुत कम है, तो ये जो फ्लोज का जहां तक आपने कहा क्या आप मानते हैं कि ये जो डोमेस्टिक फ्लोज है कम से कम मीडियम टर्म में तो ये थमने वाले नहीं है? देखिए लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है और सेंट्रल बैंक को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ये लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि उतना डिमांड भी नहीं है सिस्टम में क्योंकि उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो ये सब का इम्पैक्ट यही है कि हम एक बबल जोन में जाने वाले हैं और उसके बाद एक वर्टिकल ड्रॉप होगा, क्या हम उसके पहले सावधान हो जाएंगे ये टाइम ही बताएगा, बट अभी स्थिति यही है कि मार्केट्स अभी 2020-21 के अर्निंग्स को डिस्काउंट कर रहे हैं बनिस्पत 2018-19, क्या इतनी विजिबिलिटी है? मेरे हिसाब से इतनी विजिबिलिटी अभी नहीं है, अभी एक होप ट्रेड है।
बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आप ये जो चीज़ कह रहे हैं ना, मैं इनफैक्ट यही आपको पूछने भी वाला था, पार्टली आपने खुद ही आंसर कर दिया कि अब सही बात है, लिक्विडिटी चल रही है काफ़ी अच्छी, कोई मे बी फंडामेंटली कोई बुरी खबर आ नहीं रही है, ग्लोबली देर इज़ अ पार्टी गोइंग ऑन, हम रोज़ देखते हैं डाउ में नया हाई देखने को मिलता है, फिर इंडिया अगले दिन सुबह जाके नया हाई बनाता है। द प्रॉब्लम इज़ जो आपने कहा कि 2020-21 की अर्निंग्स मार्केट के कई स्टॉक्स हैं जिसमें प्राइस्ड इन है, अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप को देखें वहाँ पे शायद उससे भी आगे की कुछ कुछ अर्निंग्स प्राइस्ड इन है। एंड सेकेंडली स्टॉक लोकेट करना या फिर आइडेंटिफाई करना बहुत चैलेंजिंग हो गया, आप किसी भी फंड मैनेजर से बात कीजिए वो यही कहते हैं कि यार कहाँ जाके करेक्ट होगा पता नहीं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड गुड वैल्यू स्टॉक। ये सिचुएशन और कितनी परसिस्ट कर सकती है? जब तक कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आए कि ग्लोबल मार्केट्स नहीं करेक्ट होते हैं या इंडिया में यू नो ऐसा कोई सिचुएशन अभी टॉप डाउन पर्सपेक्टिव से दिख नहीं रहा है कि बहुत मेजर कोई नेगेटिव शॉक दिखेगा, तो नियर टर्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ फ्लोज की धार इतनी स्ट्रांग है कि सब कुछ डिस्काउंट हो जा रहा है और एक डिप्लॉयमेंट का एवेन्यू जो है वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आप नए IPOs में देखिए या यू नो मिड कैप स्मॉल कैप में देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सेसेस है सिस्टम में। सुनील, आपके फंड मैनेजर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या वो वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, कैश पे बैठे हैं कि क्या ये जो फ्लोज आ रहे हैं उनको डिप्लॉय कर पा रहे हैं इन वैल्यूएशंस पर? नहीं, हमारे फंड मैनेजर के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको, हमारी फंड हाउस ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बहुत एक्सपर्टीज रहती है और लोग भी यही मानते हैं। तो जो फ्लोज हमें आ रहे हैं वो हमारे जो फंड जैसे है मिड कैप या रूरल इंडिया, वो स्पेसिफिक स्माइल फंड, ऐसे फंड्स में आ रहे हैं जहाँ पे स्टॉक्स जैसे आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप में करीबन 500-600 स्टॉक्स की एक स्प्रेड है। और एडवांटेज एक म्यूचुअल फंड में यही बनता है कि एक पोर्टफोलियो में हम कुछ एक 6-9 months ड्यूरेशन वाली स्टॉक्स में भी डिप्लॉय करते हैं, कुछ 3-5 साल में जो रिटर्न देने वाली है। तो ऐसे 3-5 साल के आउट को अगर रखेंगे आप, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है या पब्लिक सेक्टर बैंक कॉर्पोरेट लेंडिंग की प्ले है वहां पे आज भी वैल्यूएशंस बहुत बढ़ नहीं गए हैं और वहां पे हम वैल्यू देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि एक लॉन्ग टर्म आउटलुक से हम स्टॉक्स देखेंगे तो बिल्कुल हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, हम पूरा पूरा डिप्लॉय कर रहे हैं, 3-5% से ज्यादा कैश नहीं रख रहे हैं आज के दिन में भी। 3-5% कैश। मनीष, आपने जो प्राइमरी मार्केट की बात की, IPO मार्केट की बात की, यू नो इनफैक्ट अभी भी एज वी स्पीक 2 IPOs चल रहे हैं मार्केट में, एक है SIS का, दूसरा है कोचिन का, दोनों के फंडामेंटल्स अलग अलग हैं एंड ऑब्वियसली बेस्ड ऑन दैट कॉल्स भी शायद अलग अलग होंगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि अगर आप मिक्स देखें प्राइमरी मार्केट का, तो अब आपको अच्छे फेयर जस्टिफाइड वैल्यूएशन पे आने वाले इश्यूज़ की संख्या घटती हुई दिख रही है, क्या एक भेड़ चाल चल रही है कि अच्छा चल रहा है प्राइमरी मार्केट तो चलिए हम भी एक फ्लोट कर देते हैं इश्यू, या फिर अभी वो स्थिति आई नहीं है? क्योंकि जो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव है ना वो बड़ा कंप्लेसेंट हो गया IPO मार्केट को लेकर। नहीं देखिए, पैसे बन रहे हैं लोगों के तो कंप्लेसेंसी वाजिब बात है और के पैसे बनाने बहुत इजी हो गए हैं, तो जब ऐसा माहौल होता है तो ऑब्वियसली यू नो अच्छे इश्यूज भी आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे इश्यूज भी नहीं आते हैं, पर सबको वैल्यूएशन मिल जाता है और यू नो आई बैंकर्स कुछ भी इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पर छोड़ के नहीं जाते, जिस दिन लिस्टिंग होती है उसी दिन यू नो 2019 के नंबर्स डिस्काउंट हो जाते हैं। उसके बाद आप 2020-21 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेते हैं तो नेक्स्ट 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा, रिटर्न की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक समस्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ हंकी डोरी है प्राइमरी मार्केट में, अगेन इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम। सो सब जगह एक्सेसेस हैं और जो भी इश्यूज आ रहे हैं प्राइमरी मार्केट में वो बाय एंड लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप में, और वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा हाई हैं और लिस्टिंग पर और भी हाई हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप फर्स्ट डे मतलब लिस्टिंग के बाद अगर लेने की कोशिश करें तो बेसिकली यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन 2020-21 एज अपोज टू 2018 and 2019। इतनी विजिबिलिटी क्या क्लियर है टॉप डाउन परस्पेक्टिव से, सब कुछ ठीक दिखता है, बट क्या एक्चुअल नंबर्स आते हैं उस हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं आते। सुनील, क्या आप सहमत हैं जो मनीष की राय है कि उनको लग रहा है कि जैसे जो वैल्यूएशंस हैं वो ज़्यादा रन अप हो गए हैं और एक वर्टिकल फॉल भी हो सकता है अगर इस तरह का बबल टेरिटरी में हम चले गए जाएं तो? क्या आप सहमत हैं इस राय से? देखिए, इसमें दो चीज़ है। पहली चीज़ कि इस वैल्यूएशन ज़रूर बढ़ गए हैं क्योंकि आज जो डिमांड है स्टॉक्स के लिए वो सप्लाई से ज़्यादा है,
इसलिए अभी आईपीओ के जो आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा लिक्विडिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। बट क्या अभी बबल स्टेटस में है, ये नहीं मैं मानता हूँ। यस, चांसेस ऑफ करेक्शन है बिल्कुल, क्योंकि मार्केट जो है सेंसिटिव टू पॉलिटिकल न्यूज है, सेंसिटिव टू अनाउंसमेंट्स है, वो सेंसिटिविटी है। कोई भी बुल मार्केट, आप 2003 से 8 की जो बुल मार्केट थी, 3000 सेंसेक्स से 21000 तक सेंसेक्स से पहुंची, वहां पे देखिए करीबन 8-10 ऐसे करेक्शन जो एक दो दिन नहीं 10-15 दिन के लिए 20-25% की गिरावट भी आई थी। तो ऐसे क्या होता है कि जो न्यूज फ्लोस के कारण जो करेक्शन आते हैं ऐसे बुल मार्केट में, वो एक्चुअली एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। तो ये बबल की स्टेटस जो है 2008 में सेंसेक्स की फॉरवर्ड पीई 23 तक पहुंची, आज 19 के लेवल पे है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमें ओवरवैल्यूड क्यों लग रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से सेंसेक्स की अर्निंग्स करीबन फ्लैट 1350 के लेवल्स पे रही है। अब आने वाले दिन में जो हमारे में कोशिश में अगले 3 साल में करीबन 19-20% की अर्निंग्स ग्रोथ जरूर देख पाएंगे हम। और इसलिए जो एक्चुअल स्थिति है आज की सेंसेक्स या जो हाईएस्ट लेवल्स पे पहुंचे हैं, निफ्टी 10,000 पे पहुंची है, ये खाली एक नंबर है। तो क्योंकि एक्चुअली जो अर्निंग्स आएगी अगर 19-20 आ जाएगी तो ये परफेक्टली जस्टिफाइड वैल्यूएशन है। तो लोग कह रहे हैं कि ये अभी 2019-2020-2021 की अर्निंग्स को डिस्काउंट कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानता हूँ। ये इस साल की जो पेंटअप जो डिमांड आएगी, लास्ट ईयर का मॉनसून का इम्पैक्ट मार्केट ने पूरी तरह नहीं पाया क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के कारण कंजम्पशन उतनी बढ़त नहीं हुई। अब इस साल आप देखेंगे कि मॉनसून की आउटलुक भी अच्छी है और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की खर्चाई भी अच्छी है। तो इस फेस्टिवल सीजन में और बैंक्स भी रेट कट कर रहे हैं, स्टेट बैंक ने भी, जैसे मैंने कहा, सेविंग्स का भी रेट कट किया, तो वो पोजीशन कर रहे हैं कि कैसे कंज्यूमर डिमांड को कंज्यूमर फाइनेंसिंग के थ्रू इस फेस्टिवल सीजन में उठाए। तो जो अर्निंग सीजन जो आने वाली है इस साल आप देखिए, उसमें मेरे ख्याल में ये फेयरली जस्टिफाइड लगेगी। तो मैं कहूंगा कि मार्केट डिसेंटली वैल्यूड है, मे बी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, मगर बबल की स्टेटस अभी पहुंचने में बहुत दिन बाकी है। और शायद मैं समझूंगा कि 6 महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो स्थिति हम ये कर सकते हैं, पर इस साल के लिए अभी सही लग रहा है। आई थिंक वही मनीष भी कह रहे थे कि अभी वो स्थिति आई नहीं है बबल की, बट वो तेजी से हम शायद जा रहे हैं उस डायरेक्शन, उस दिशा में जा भी रहे हैं। लेकिन मनीष, क्विकली एक बार हम रेट पॉलिसी की बात, रेट कट की बात करें, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं। मैं इसे थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करता हूं और 3-4 एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। अब देखिए, आईटीसी जिस दिन वो सेस की अनाउंसमेंट आई उस दिन किस तरह से ये गिरा था, या फिर एचडीएफसी लिमिटेड और एलएनटी नंबर्स के बाद जिस तरह से ये चले, या फिर समथिंग लाइक रिलायंस एजीएम में उन्होंने जो कुछ घोषणाएं की जियो फोन को लेकर, उसके बाद उस पर जिस तरह का रिएक्शन था, या फिर इंटरग्लोब को आज आप देखिए नंबर्स के बाद। अब इसमें एक चीज प्रतीत होती है दैट यू नो देर इज अ सेंस ऑफ आई वुड से डेस्परेशन टू सम एक्सटेंट कि मार्केट में कहीं पर अगर थोड़ी भी अच्छी न्यूज मिल जाती है, और या तो फिर कोई ऐसी न्यूज आ जाती है कि जिससे स्टॉक को थोड़ा दबाव में लाया जा सके, उस पर ओवर रिएक्शन काफी देखने को मिल रहा है स्टॉक्स पे। अब यही मैंने आपको 3-4 एग्जांपल भी दिए। अब ये क्या एक वो जो बबल की स्थिति होती है या फिर ओवर हीटिंग की स्थिति होती है, उसका अर्ली इंडिकेटर माना जाए? देखिए, जो 4 नाम आपने लिए उसमें कोई भी नंबर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक ठाक नंबर है, पर चूंकि लिक्विडिटी इतनी हाई है और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है सबके पास और लिक्विडिटी हाथ में है, तो वेदर ऑन द अपसाइड और द डाउनसाइड एक पाइलॉन हो जाता है। तो अगर नंबर्स थोड़े भी ठीक हैं तो उसको एग्जैजरेट कर दिया जाता है प्राइस मूव में, या अगर नंबर्स खराब है तो उसको बहुत बुरी तरह पीट दिया जाता है। तो ये सब क्या है कि एक फंक्शन ऑफ लिक्विडिटी है, और जो भी 4 नाम आप लिए वो लार्ज कैप स्पेस में है जो फिर भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर चल रहे होंगे, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एक्सेसेस है। तो अगर आपने देखा वी गार्ड का नंबर आया, तो उनको धम देना, करेक्शन आ गया, तो कहे कि असमंजसता बहुत बड़ी है अभी मार्केट्स में, बहुत कुछ हंकी डोरी सब कुछ नहीं हो गया है, और आने वाले दिनों में अर्निंग सीजन क्या इस तरह प्ले आउट होगा जिस तरह अनुमान लगाया जा रहा है। लास्ट 3 साल में भी हम जब बिगिन करते हैं ईयर को तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशंस में करते हैं, जब ईयर एंड होता है तो बहुत म्यूटेड एक्सपेक्टेशन में और म्यूटेड एक्चुअल रिजल्ट्स में बंद होता है। तो क्या करंट ईयर में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? सेकंड हाफ क्या पिकअप दिखेगा, बोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अभी पूरी तरह गया नहीं। कैपेक्स साइकिल जो है मनीष, क्या आप देख रहे हैं किसी भी तरह से उसमें कुछ टर्न अराउंड आ रहा हो? कोई कैपेक्स साइकिल में रिकवरी नहीं है। लार्सन एंड टुब्रो के आपने ऑर्डर गाइडेंस देखी, मेंटेन किए हैं,
पर करंट क्वार्टर का जो ऑर्डर बुक फ्लो है काफ़ी वीक है। दूसरे भी आप सीमेंस के नंबर्स आपने देखे तो प्राइवेट केपेक्स कहीं भी नहीं है। गवर्नमेंट केपेक्स जरूर थोड़ा ठीक ठाक है पर गवर्नमेंट की बैलेंस शीट भी लिमिटेड है, अनाप शनाप तो केपेक्स वो भी नहीं कर सकेंगे। बैंकिंग सेक्टर जो है मनीष, क्या आप मानते हैं कि उसमें जो अभी दर्द है या जो शुरू हुआ है जो पूरा प्रोसेस क्लीन अप का, इससे अभी और भी बहुत दर्द देखने को मिलेगा उस सेक्टर में? देखिए ये सब क्लीनअप बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि 2018 में बहुत हद तक हो जाएगा और 2019 में जो प्रोविजन नंबर है पीएसयू बैंक्स के काफी घट जाएंगे। तो ये एक पीक पेन पॉइंट पीरियड है और यहां से हम टेपर डाउन करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स। वो एक सिल्वर लाइनिंग डेफिनेटली पॉजिटिव है पूरे इकोनॉमी के लिए। दैट्स टू फार अगर 2018 में होना है तो। खैर बैंकिंग की बात हुई तो एक बार ये देख भी लेते हैं कि कल पॉलिसी की अनाउंसमेंट से मार्केट की उम्मीद क्या है, कंसेंसस क्या है और जो कुछ बड़े बड़े बैंकिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनका व्यू क्या है। अंचल हमारे साथ हैं, अंचल बताइए। शुक्रिया अमीर। देखिए आपने कई सारे जानकारों से बात की और सबसे पहला और सबसे मूल सवाल पूछा कि क्या कल आने वाली आरबीआई पॉलिसी में रेट कट होगा। एक मत में करीब 90% ब्रोकर्स ने कहा कि हाँ कल की पॉलिसी में रेट कट देखने को मिलेगा। फिर भी 5% का तबका यह है जो कहता है कि शायद कल की पॉलिसी में टाला जा सकता है रेट कट, लेकिन अभी भी जो मैक्सिमम मेजोरिटी है वो यही मानती है कल की पॉलिसी में रेट कट तय है। अब कितना रेट कट होगा ये हमारा अगला सवाल था जानकारों से। उसमें 68% ब्रोकर्स और जानकार ये मानते हैं कि करीब 0.25% का रेट कट श्योर शॉट देखने को मिल सकता है कल की पॉलिसी में। लेकिन साथ ही एक तबका था करीब 30 यानी एक तिहाई जो जानकार थे करीब 31% जानकार वो ये मानते थे कि शायद आधे परसेंट तक का भी रेट कट कर सकती है आरबीआई। जिस तरह के इन्फ्लेशन नंबर्स रहे हैं आरबीआई के पास स्पेस है, यहाँ पे एक बड़ा रेट कट हो सकता है। उसके बाद अगला सवाल बना कि क्या SLR CLR जैसे जो अदर मोड्स हैं उनमें कुछ कटौती की जाएगी, तो वापस से व्यू वही आता हुआ दिखा अमीर कि 96% जानकार मानते थे नहीं बाकी किसी मोड में बदलाव नहीं किए जाएंगे, पूरा फोकस इस बारी रेट कट पे रहेगा। एक सवाल ये भी बनता था कि 2017 में और कितनी यानी कितनी कटौती होगी इधरों में, उसके बारे में जब हमने पूछा तो क्या कहते हैं करीब 10% मानते थे हाँ आगे स्कोप है कट हो सकता है एक और, लेकिन मैक्सिमम 85% मानते थे ये पॉलिसी क्रिटिकल है इसी में रेट कट होगा और इसके बाद ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा रही है। और अगर ये पॉलिसी क्रिटिकल है तो अगला सवाल हमारा था कि इन टोटल 2017 में कितनी कमी की उम्मीद की जा रही है। देखिए पहले हमें कुछ जानकारों ने कहा आधे परसेंट तक का रेट कट भी संभव है, फिर काफी सारे जानकार मान रहे थे कि नहीं ये आखिरी पॉलिसी इसके बाद रेट कट नहीं हुआ, लेकिन एक तबका था शायद स्कोप है उस पर स्ट्रेस कर रहा था। वही चीज ट्रिकल डाउन होकर पांचवें सवाल के जवाब में आई, करीब 11% ब्रोकर ऐसा मानते हैं कि आगे चल के 25 basis points यानी 1/4% का रेट कट और हो सकता है 2017 में। तो नेट नेट अगर आप समअप करें 25 basis points का रेट कट फॉर श्योर सी कर रहे हैं जानकार इस समय कल की पॉलिसी में, लेकिन एक तबका ये भी है जिनका मानना है आधे परसेंट की स्कोप है, या तो वो इस पॉलिसी में होगा या फिर इसके बाद एक इमीडिएट पॉलिसी में आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल कुछ बैंकर्स जिनसे हमने बात की थी विवेक, एक बार उनका व्यू भी सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। ब्याज दर पे काटने का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक का है तो मेरे ख्याल से उसी पे छोड़ना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ब्याज दर डिटरमिन होने पर जाते हैं, इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स, देयर आर नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स व्हिच गो इनटू दैट। सो आई वोंट बी मच वरीड अबाउट द रेट कट्स, दो ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज अ रेट कट इट गिव्स अ फिलिप, बट देन यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड इट माइट हैव एन इंपैक्ट ऑन द रूपी एंड सो यू हैव टू बैलेंस। रिजर्व बैंक आल्सो हैज गॉट अ मैंडेट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन which we have to be very concerned, which we have to accept that. But on a macro basis, I think India is moving in the right direction. Fundamental course corrections have been taken. Big changes and reforms have taken place. So it should augur well for the country. मैं ये बात बहुत समय के बाद बोल रहा हूँ कि पहली बार काफ़ी अरसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कुछ रेट में रिडक्शन होगा। 25 basis points तो एक तरह से गिवन है, 50 basis points को मिले तो 25 basis points तो गिवन ही है विवेक चाहे हो या नहीं हो। लेकिन एनीवेज मनीष थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। आपने जैसे कहा कि जो बैंकिंग है उसमें रिकवरी एक अच्छा ट्रिगर साबित हो सकता है बट अभी उसमें कुछ वक्त लगेगा। SBI या फिर जो इस तरह के बड़े बैंक्स हैं PSU, उनसे मनीष आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? कल इन्होंने सेविंग्स रेट कट भी अनाउंस किया है लेकिन जो आई थिंक एक ट्रेंड सेटिंग या फिर सेंटिमेंट सेटिंग टोन जो होगा SBI की तरफ से वो ऑब्वियसली दिखेगा व्हेन दे कम आउट विद देयर NPA नंबर्स। आपकी उम्मीद क्या है?
नहीं देखिए, जो डिपॉजिट रेट में कट हुई है उसे लेंडिंग रेट में भी कट होगी, टोटल पास थ्रू होगा। और लेंडिंग रेट सिस्टम में कम होने का मतलब यही है कि ट्रांसमिशन हो रहा है रेट। एनपीए की प्रॉब्लम्स 2018 तो वॉश आउट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एनपीए नंबर्स अभी भी पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। तो 2019 में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिवाइवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आना चाहिए। सुनील, आपकी क्या उम्मीद है कल की पॉलिसी से? देखिए, मार्केट की कंसेंसस उम्मीद है, उसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। मगर जैसे कोई कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आरबीआई खाली इन्फ्लेशन को नहीं देखती है, ये भी देखेगी कि लिक्विडिटी सिस्टम में कैसी है। सेकंड, क्या रेट की वजह से डिमांड पिकअप नहीं हो रही है इकोनॉमी में? देखिए, रेट कट जब होता है वो ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए होता है, और रेट हाइक जो होता है वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए होता है। तो ये रेट कट और इन्फ्लेशन में जो कोरिलेशन जो चल रहा है ना, एक्चुअली रेट कट के टाइम में आरबीआई का ये सोच होती है कि ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए रेट कट की जरूरी है कि नहीं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये फेस्टिवल सीजन है, अभी डिमांड तो जारी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आरबीआई सभी फैक्टर्स को लेकर एक डिसीजन लेगी। हाँ, मानते हैं कि मार्केट तो रेट कट को डिस्काउंट कर रही है, और अगर रेट कट नहीं होगी तो डेफिनेटली एक करेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं। मगर मेरे ख्याल में मार्केट ओवर रीच कर रही है, थोड़ा वेट करने का है कि डेटा जो है आरबीआई के पास, और आजकल खाली एक इंडिविजुअल व्यक्ति कोई डिसीजन नहीं लेता, एक मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी होती है जिसपे सभी का वोट होता है। तो हम थोड़ा एक धीरे से वेट करेंगे, देखते हैं कि उनके पास जो अंडरलाइंग डेटा जो आता है वो क्या दिखाता है। और अगर ग्रोथ, देखिए एसबीआई से काजा ने जो रेट कट किया है कल सेविंग्स रेट का, इससे क्या हम डिसीजन डिराइव कर सकते हैं कि डिमांड नहीं है लोन्स के लिए, इसलिए वो अपना सेविंग्स रेट में भी कट कर रहे हैं। दे आर नॉट वरीड के कोई डिपॉजिट्स, बाकी कॉम्पिटिंग जो पेमेंट बैंक्स आजकल 7% 8% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो उनके पास थोड़ा फ्लो चले जाएगा, इससे भी उनको फिक्र नहीं है क्योंकि उनके पास लोन के लिए डिमांड नहीं है। तो स्थिति ऐसी है मार्केट में कि आज सरप्लस विद लिक्विडिटी है, तो आरबीआई को ये भी मन में रख के एक डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल, इस बीच चले अपना जो बैंक की बात की, निफ्टी बैंक इस समय नेगेटिव है और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बहुत ही मामूली दायरे में है। तो निफ्टी 8 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स करीब 10-12 पॉइंट ऊपर। मनीष, ये जो हमने मोमेंटम की बात की ना, ये हमने एनबीएफसीज में स्पेशली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसमें भी बहुत अच्छा देखा है। कई स्टॉक्स चले हैं, नई लिस्टिंग चली है, पुरानी रीरेट हुई है, कितना फ्रॉथ है इन स्टॉक्स में? 2020-21 के हिसाब से भाव जस्टिफाई किए जा सकते हैं, 2018-19 के हिसाब से कोई भी भाव जस्टिफाई नहीं किए जा सकते, स्पेशली पेमेंट बैंक्स, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात की जाए तो डेफिनेटली नियर टर्म पर्सपेक्टिव से काफी फ्लॉट है। अगर हम मार्केट के पिलर्स की बात करें मनीष, नाउ यू नो जैसे ऑटो में हमने देखा कहीं कहीं बड़ा कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस है, बीट मारुति, आयशर मोटर्स, इन स्टॉक्स पर। टीवीएस में हमने देखा काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस था, उनके नंबर्स में भी शायद आगे भी रिफ्लेक्ट करे। बट देन मार्केट को जरूरी होता है कि 2-3 ऐसे स्ट्रॉन्ग इंजिन्स हों उसके पास, जिसके आधार पर वैल्यूएशन को और ऊपर किया जा सके, खींचा जा सके। तो जो 3-4 स्टॉक्स मैंने बताए, चाहे वो रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, आईटीसी हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इन सब में अभी वो दमखम बचा हुआ है। आपको सबसे ज्यादा भरोसा विद इन निफ्टी बास्केट कौन से सेक्टर्स में लग रहा है इस समय, कि जहां पर आप कम से कम आश्वस्त हो कि चलो यहां फ्रॉथ नहीं है और एटलीस्ट ये एक सेफ्टी नेट देगा इंडेक्स को व्हेन इट करेक्ट्स? देखिए, अगर सेगमेंट की बात करें तो लार्ज कैप्स में बहुत ज्यादा कंफर्ट है एज कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। विद इन द लार्ज कैप्स अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एटलीस्ट अर्निंग्स की सर्टेनिटी है कि 15-20% की अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट 2-3-4 साल में आने वाली है। तो क्या है कि वैल्यूएशन फिर भी किसी तरह जस्टिफाई किए जा सकते हैं, या फिर अब कंज्यूमर सेक्टर में, ड्यूरेबल सेक्टर में देखें तो वो भी ठीक ठाक है। कंज्यूमर स्टेपल्स अगर देखें तो कुछ सेक्टर्स में, कुछ सेगमेंट्स में फ्रॉथ है, पर बाय एंड लार्ज ओके हैं। मेरे हिसाब से यही 2-3 पिलर्स हैं जहां पर थोड़ी कंफर्ट है, बाकी तो थोड़ी गुंजाइश कम दिखती। व्हाट अबाउट एविएशन मनीष, क्या लगता है आपको कि वहां पे क्योंकि जिस तरह से जो ग्रोथ हो रही है और लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि दैट्स अ गुड मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी? उसमें सिर्फ इंडिगो ही समझ में आता है क्योंकि वहाँ पर लेवरेज नहीं है, नेट कैश बैलेंस शीट है, 37% की प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। तो एविएशन में 2-3 ही प्लेयर्स हैं मेरे हिसाब से, उसमें जो 40% मार्केट शेयर है, आई मीन द विनर टेक्स ऑल सॉर्ट ऑफ
यू नो सिनेरियो है उसमें हमें इंडिगो अच्छा लगता है, हमारे पास वो स्टॉक है पोर्टफोलियो। बिल्कुल, चलिए मनीष शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और सुनील आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब वक्त है आज का सुपर शेयर देखने का। सुमित चलिए आज क्या निकाला आपने सुपर शेयर? मेरा आज ऑटो का दिन है तो ऑटो एंसिलरी स्पेस से लेकर आए हैं। सोना कोयो को चुना गया है। सोना कोयो को चुनने की दो तीन वजह हैं। पहले तो रिसेंटली मैनेजमेंट चेंज हुआ है, एक बड़ा फंड्स के अंदर सिंगापुर बेस्ड एक जो बड़ी कंपनी है वो उसके अंदर इन्वेस्ट किया है और रफली 70% के आसपास का स्टेक उन्होंने लिया, तो जिसके बाद प्रमोटर का स्टेक एकाएक 50% बढ़ के 72% के आसपास पहुंच चुका है। मारुति प्रमोटेड कंपनी है, मारुति का करीब करीब 9% स्टेक है इस कंपनी के अंदर, और इसीलिए वो बड़े क्लाइंट के तौर पर भी यहाँ पर कंपनी के लिए कामकाज देते रहते हैं, और मारुति लगातार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा बिजनेस कंपनी को देता भी रहा है। इस क्वार्टर में भी जो मारुति के नंबर्स हैं वो साउंड आने की, जो इस सेल्स के जो नंबर हैं वो इस महीने साउंड आने की उम्मीद है, तो ये मान सकते हैं कि जो लगातार एंसिलरी डिमांड है वो भी काफी स्ट्रांग रहेगी मारुति के लिए। सोना कोयो के नंबर्स अवेटेड हैं और जो अनुमान लगाया जा रहा है 10 तारीख को नंबर्स आने वाले हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 गुना के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है इस क्वार्टर के अंदर, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट नहीं भरती, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टेटस है कंपनी का, इसलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन भी स्ट्रांग है और ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफी स्ट्रांग है। इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई है तो उसका इंपैक्ट है, और अच्छी डिमांड का भी एक इंपैक्ट इनको आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो ये दोनों चीजों की वजह से इसके नंबर से साउंड आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अदरवाइज भी जो ब्रोकर्स का अपबीट है उनका ये मानना है कि री रेट होगा ये शेयर इस नए मैनेजमेंट चेंज के बाद, तो इन सभी ट्रिगर्स के आधार पर 145 रुपए के लिए एक एक रिपोर्ट को रेफर किया गया, उनका मानना है कि 145 तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। 145 की चाल, और शेयर तो देखिए आपके बात करते करते ही ठीक ठाक चल भी गया है, 114 के आसपास है अब ये। मैं इनफैक्ट जब सुमित बात कर रहे थे मैं देख भी रहा था कि पिछले साल इसने लो हिट किया था 47 रुपीज का, विच वॉज इन नवम्बर 2016। अब तब से अभी तक में आप देखिए कि ये डबल ऑलमोस्ट ट्रिपल होने की कगार पर है, तो वही एक कंसर्न आई थिंक रहती भी है मार्केट में इन लेवल्स के आसपास, कि अगर आप ट्रैजेक्टरी देखें एक साल में जो स्टॉक डबल हो गया उसमें ऑब्वियसली यू मे नॉट हैव कम्फर्ट कि इन लेवल्स पर जाके इन्वेस्ट करें, लेकिन नंबर्स कुछ और ही बताते हैं यहाँ पर। चलिए शुक्रिया सुमित। एक बार ये भी देख लेते हैं कि आज सुबह हमने सुपरफास्ट फ्यूचर्स में जो कुछ ट्रेड्स आपको बताए थे वहां पर रिटर्न कैसा है। तो महानगर गैस, इस पर हमारी तरफ से एक सौदे की रिकमेंडेशन थी जो कि आशीष ने दिया था, और उसमें अभी तक प्रति लॉट 4,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है। विप्रो पर राजेश सतपुते की सलाह थी तो इस पर 1.5% का रिटर्न है मार्केट खुलने के बाद अभी तक 7,500 पर लॉट का, और हेमंत ठुकराल ने टाटा स्टील पर सलाह दी थी तो यहाँ पर 0.25% का रिटर्न देखने को मिला है, यानी करीब 12,000 रुपये प्रति लॉट का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है।